उद्धारकर्ता यीशु मसीह को धन्यवाद। प्यारे मित्रों, हर एक इंसान प्राण को बचाने के लिए लाख कोशिश करेगा, प्राण ये जीवन को बचाने के लिए, गरीब से लेकर अमीर तक। देखिए, अगर कुछ बीमार है इंसान अस्पताल में जाएगा, अस्पताल में कम नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा? बाबा के पास जाएगा, मंत्री के पास, कई कारण ढूंढेगा क्यों बीमार कम नहीं हुआ। अगर फाइनली मालूम पड़े तो वो छोड़ देगा, फिर भी आशा रहेगा। और कुछ मार लगा, कुछ गलती, कुछ भी मिस्टेक कुछ हुआ इंसान को, चोट लगा, घायल हुआ तो अस्पताल जाएगा। ऐसा अस्पताल बहुत सारा खुला है, क्यों? जान बचाने के लिए। वो इंसान, कोई इंसान भी अंदर तरस खाता है इंसान, अगर कोई जानकारी नहीं है उसको, कौन सा अस्पताल अच्छा है, कहाँ ठीक कर सकते, बहुत तो उसको सलाह देते, अरे फलाना हॉस्पिटल में जाओ, फलाना आदमी के पास जाओ, फलाना डॉक्टर अच्छा है, फलाना हॉस्पिटल अच्छा है। और हॉस्पिटल से ठीक नहीं हुआ, कुछ दुष्टात्मा का प्रभाव है, जो भी जादू टोने का, उधर भी सलाह देते लोग, क्यों? इंसान अच्छी तरह रहे, जीवन बिताए, जितने दिन जीना जीने का उसका आयुष्य है उतने दिन जिए। क्योंकि हर एक को मालूम है इंसान एक ना एक दिन इस धरती को छोड़ के जाने का है, जरूर जाने का है। क्योंकि बाइबल में उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा, मिट्टी से आया मिट्टी से जाएगा, बल्कि मिट्टी को जाएगा, बल्कि परमेश्वर ने बोलता है। उसी तरह इंसान जिस मिट्टी से आया उसी मिट्टी को जाएगा, मगर उस मिट्टी का शरीर कितना प्रयास करता है फिर भी वो जान नहीं बचा सकता है, उसके लिए कितने के करता है, समय है जब नेक काम नहीं करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार अपने आप को सोचो, इस शरीर के लिए, इस जान को बचाने के लिए लाख कोशिश अपन करते हैं, फिर भी ये जान नहीं बचा सकते। केवल जो इस शरीर को बनाया, इस जान को दिया, सब कुछ दिया, उसके हाथ में है, सृष्टि का मालिक के हाथ में है, मगर उसके वचन के अनुसार कभी नहीं जाते, उसके बारे में कोई सोचता नहीं। जो उसने बनाया सृष्टि को, उस सृष्टि को पूजा करते मगर उसको जानने के लिए कोशिश नहीं करते, क्यों? इंसान आलसी है, जो दिखता वही सही समझता है, क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि दिया, बुद्धि से सोचता नहीं। क्यों? जो इंसान जी रहा है इस धरती में, इतना डेवलपमेंट हो गया, ये किस तरह हुआ? केवल परमेश्वर के दया से, कृपा से। क्यों? परमेश्वर उसके स्वरूप में इंसान को बनाया और बना के आशीष किया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में, मुझ में है, वही जीवन दे रहा है, वही जीवन का दाता, वो परमेश्वर का आत्मा, वो अनंत काल जीने वाला आत्मा। उसके बारे में कोई सोच रहा नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, उसके बारे में कोई बोलेगा तो उसको जो मन में है वो बोल देते, हमारा भगवान अच्छा है, हमारा भगवान अच्छा है, मगर कोई सोचता नहीं सचमुच जो भगवान को आप लोग मानते हैं, क्या वो आपका रक्षा कर सकता है? एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ऐसा लिखा है, अपने आप को जांच लो कि आप सही रास्ते में है नहीं, पवित्र शास्त्र बाइबल में ही लिखा है। मैं मसीहा हूं बोल तो चलेगा नहीं, मसीहा रहना अलग है, मसीहा का तरह जीवन जीना अलग है। क्रिश्चियन कैसा बोला गया मालूम है? जीसस को देख के उसके पीछे होने वाले को क्रिश्चियन बोले, उसके तरह जीने के लिए कोशिश कर रहे, और उस पर जो विश्वास किया, उसके वचनों को इम्प्लीमेंट कर रहा जीवन में, उसको क्रिश्चियन बोलते। मगर मैं नाम का क्रिश्चियन हूँ तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए तो परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कहा, कलाम में लिखा है, अपने आप को जांचना जरूरी है। अगर आप अपने आप को नहीं जांच लिए तो स्वर्ग का राज आपका नहीं। बहुमूल्य, बहुत अमूल्य ए आत्मा, उसके लिए अपन कोशिश करना बचाने के लिए। जो मट्टी में जाने वाले इस शरीर के लिए कितना की कोशिश करते,
जितना अपन कमाया वो पूरा उसके लिए लगाते हो, मगर फिर भी उसको नहीं बचा सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहे तो आपके आत्मा को बचा सकते हो, वो आत्मा अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने वाला है। वो अनंत काल का जीवन कैसा रहना चाहिए? शांति समाधान से रहना चाहिए, नरक में जाना चाहिए। आप इस धरती में जितने दिन जीवन जी रहे तभी आप डिसाइड करना। क्यों? ये विश्वास करते सब आत्मा है, तो आत्मा समझ के, आत्मा पे विश्वास करते आत्मा को कौन बचाएगा? कौन वायदा किया है? कौन आत्मा के लिए बलि हो गया? कौन इस तरह आत्मा का सामर्थ्य, आत्मा का बचाने का बात बोल रहा है? किस ग्रंथ में है? क्या भगवद गीता में है, बाइबल में है, कुरान में है? अगर है किस तरह, कौन, किसका बात सही है, सोचना जरूरी है। अगर देखे तो अपन खाने के लिए चीज सोच समझ के खाते, जिस शरीर को हानि करता है वो चीज नहीं खाते। हाँ, शुद्ध खाना खाते और शुद्ध खाना खाने की कोशिश करते। उसी तरह आत्मा को जो चाहिए वो काम करो। अपन सोचते समझते मगर उसके अनुसार जीते नहीं, जीते नहीं, क्योंकि आत्मा अमूल्य है। उसके बारे में सोचना जरूरी है, हर दिन सोचना, आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा किस तरह बचाया जाता है। मैं मसीहा हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, उसके राह में जी रहा हूँ, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अब मसीह बन जाओ। मसीह बनना अलग है, मसीह की तरह जीना अलग है। बहुत सारा है, मसीहा बोलने से कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन जीना पहला, मालूम है, इतना इजी है उतना कठिन भी है। उसे तो बोलता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, शरीर को जितना प्रयास कर रहे बचाने के लिए जीवन को, उससे दुगना प्रयास करो आत्मा को बचाने के लिए। कौन बचाएगा आत्मा को? वो चांस इस धरती में है जब भी रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। बाद में देखिए, एक बार बेटी शादी करके बाहर ससुराल जाती है, नाम चेंज हो जाता है। एक बार चेंज हो तो रिटर्न नहीं होता। उसी तरह आप सोचिए समझिए, आपके पास बाइबल है, आपके पास कुरान है या भगवद गीता, जो भी आपके पास है उससे सर्च करिए, ढूंढिए। ऐसा नहीं कि एक बार जीवन या मृत्यु हो गया बस आत्मा एक ही बच के रहता, वो किधर जाना, बाद में पछताया तो कोई कुछ फायदा नहीं। उसी लिए मौका है, जब उसको उपयोग करो, मन बदलाओ, मन फिराना, पश्चाताप करके पाप को छोड़ना है, परमेश्वर के सम्मुख आके उसको आराधन करना। परमेश्वर बलि नहीं चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह ने बलि हो गया आपके लिए, मेरे लिए। उसके बारे में सोचो समझो। ऐसा ही आपके सामने बोलने के लिए मैं नहीं आया। अगर आप मसीहा हैं, हर संडे चर्च जाते रहते, क्या आप ये क्या परंपरा बनाया? परंपरा बनाए तो कोई मतलब नहीं, चर्च जाके कोई मतलब नहीं। अगर मन आपको मन फिराया नहीं, पाप का पश्चाताप नहीं किया, वचन आप समझने में देर कर रहे और समझ नहीं पा रहे, तो वचन के अनुसार कैसा चलते आप? वचन समझना जरूरी है, समझ के उसके अनुसार चले तो ही चर्च गए, जीवन जिए और प्रार्थना करे तो कुछ फायदा रहता। नहीं तो आप विश्वासी क्रिश्चियन हैं और आशीष बोते, आशीष बोते, वो उद्धार नहीं देगा। मन पिराना बहुत जरूरी है, उसमें है प्रभु रूपना। आत्मिक फल क्या है? उसमें बहुत श्रेष्ठ क्या? प्रेम। प्यारे भाई बहनों, आप क्रिश्चियन है बोल के कोई बड़प्पन मत करो, ये मत करो, फील मत करो। और हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये भगवान बड़ा वो भगवान बड़ा, मैं एक ही बोल रहा हूँ, इंसान सब एक है। इस बीच में साइंटिस्ट लोग क्या ये किया था, टेस्ट किया था, सर्वे किया था, सर्वे में मालूम पड़ा सब सृष्टि पूरा एक माँ के कोख से आया, मालूम है, डीएनए के द्वारा मालूम पड़ा। आप कहीं ना कहीं अपन कुछ छोड़ दे रहे,
अपने जीवन का मान अस्तित्व खो दे रहे, समझ नहीं पा रहे, सच्चाई सामने है समझने के लिए कंफ्यूज में हो जा रहे। वचन में लिखा भी है, कुरान में भी लिखा है यीशु मसीह के बारे में, और रक्षक कैसा रहना चाहिए भगवद्गीता में भी लिखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यीशु मसीह को अपनाओ, जो भी हो आपका आत्मा कौन बचाएगा? आत्मा अमूल्य है, उसके बारे में मेहरबानी करके सोचो। एक के ऊपर दोष लगाना कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम पे, मुस्लिम हिंदू से, हिंदू पे दोष लगा के कोई मतलब नहीं है, अपने आप को बचा नहीं पाते। मंदिर जाके कोई मतलब नहीं है, मस्जिद जाके मतलब नहीं है, चर्च जाके मतलब नहीं है, अगर आपका मन पिराया नहीं, पश्चाताप नहीं किया, पाप से दूर नहीं गया तो पाताल में जाएगा, ये तय है। शरीर मिट्टी में जाएगा, आत्मा मिट्टी का आत्मा नहीं होता, परमेश्वर का स्वरूप है, बोल रहे परमात्मा है कि आत्मा हम सब है, तो परमात्मा के पास आत्मा जाना हो तो आत्मा के अनुसार इस धरती में जीवन जीना जरूरी है, वो मार्ग में चलना जरूरी है, क्योंकि उसी ने तो यीशु मसीह ने कहा मही मार्ग मही सत्य मही जीवन। मालूम है, मही भी बोल के नहीं बोला, मही केवल यीशु मसीह बोल के बाइबल में लिखा है। अगर इससे बढ़कर भी कोई अच्छा वर्ड शब्द ऐसा बचाने का बात बोल रहे हैं और कोई सभी ग्रंथ में मुझे बताइए, मैं छोड़ दूंगा क्रिश्चियनिटी, यीशु मसीह को पीछा नहीं होऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह में सामर्थ्य है, यीशु मसीह में सामर्थ्य है, क्योंकि मेरे लिए आपके लिए प्रभु यीशु ने बलि हो गया। सोचना जरूरी है, जरूर सोचना, अगर गलत हूं मैं मेरे को बताओ, मैं सुधर लूंगा, क्योंकि वचन स्पष्ट रीति से बोल रहा है, किसी का तरफदारी करता नहीं, किसी का गुलामगिरी नहीं करता, कुछ का पार्शलिटी नहीं करता, वचन सत्य वचन है, सत्य प्रकट करता है, झूठ झूठ सही सही, आपको एक न्याय, मेरे को एक न्याय, सबको एक ही न्याय है, नर्क एक ही है, स्वर्ग एक ही है, धरती एक ही, इंसान का जन्म एक ही बार होता, बार बार जन्म नहीं, पुनर्जन्म तो आत्मा में पुनर्जन्म ही लेने का, अगर आप मर गए बाद में जन्म लेना वो सरासर गलत है, इस गलत फहमी में नहीं रहने का, गलत फहमी नहीं रहने का, एक बार समय गुजर गया वो समय दोबारा आएगा आपको नहीं आएगा, तो कैसा पुनर्जन्म लेंगे आप? एक बार प्रभु मौका दे रहा, उसलिए तो सब सारे लोग संसार के कितने लोग प्रभु क्रिश्चियनिटी में आ रहे हैं, मरसुब उसके अनुसार जी रहे नहीं, नहीं जी रहे, कम लोग दिन गिनती कर सकते ऐसा लोग, किसी ना किसी में खोट है, गलतियां मिस्टेक्स है, फिर भी अपने आप को प्रभु को सौंप के पश्चाताप करके पापों को छोड़ना जरूरी है, अगर पापों को नहीं छोड़ा वो पाप आपको पाताल में लेके जाएगा, पाप पाताल में लेके जाएगा, ये भूलने का नहीं, बहुत कुछ है बोलना मतलब। और एक बार आपसे याद दिलाता हूं, जिस शरीर के लिए आप इतना प्रयास कर रहे जान बचाने के लिए, अगर जो जान बचाने के लिए लाख कोशिश करो उसका जान नहीं बचा सकता, हाँ सच्चाई के रास्ते पे प्रभु के वचन में लिखा है जो मेरे लिए अपने प्राण को खोता है वो बचा लेगा, अगर प्राण को प्रीति करता है वो उसको खो देगा, तो सोचना जरूरी है भाई, भाई सोचना जरूरी है, प्रभु ने कहा ऐसा शब्द, ऐसा वचन, ऐसा क्या भरोसा किसने दिया मुझे? सृष्टि में कोई दिया? कोई नहीं दिया, केवल यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह ही दिया, अगर सच है तो अपनाना जरूरी है, क्यों हिचकिचाने का, किससे डरने का? अगर आप भुक्का है कोई ला के देगा? कोई नहीं देगा, बीमार है कोई देगा? नहीं देगा, एक दिन दो दिन देगा, तीसरा दिन कौन देगा? बहुत कुछ बोलेगा, समय के अनुसार लोग बोलेगा, मगर आपका निर्णय आपके पास रहेगा, अपने आप को जवाब देना पड़ेगा, उसे तो अपने आप को सुनो, बोलने वाले बहुत आएंगे लोग में, और उस पड़ोस जो जिसके मन में बोलते रहते, मगर सच्चाई आपके सामने है, जिस सृष्टि ने परमेश्वर ने बना के आपको दिया उस सृष्टि को पूजा क्यों करते आप? सृष्टि का मालिक को पूजा करो, जो बात आपको दिया, जो आंख दिया और कान दिया सब कुछ दिया वो सुनेगा,
जो अंदरूनी में सोचता है ना उसको भी परखेगा वो। मन में खोट कभी नहीं रहना चाहिए। ऐसा बोलते होते बोते बोते मन मेरा बोलने को है कि आत्मा को बचाओ, आत्मा को बचा लो। समय निकट है, कभी भी अंत हो सकता है, किसी का भी कभी भी अंत हो सकता है। अगर अंत होने से पहले आत्मा को नहीं बचाए, अंत काल के जीवन को खो देंगे, नर्क में जाएंगे, पाताल में जाएंगे। पाताल से बचो, बच के अनंत काल का जीवन, शांति का जीवन जीने का मौका और अवसर यीशु मसीह ने दिया है। अगर वो एक बार ये मौका आप खो गए तो दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मौका अपनाओ, सच्चाई को समझो, परखो। यीशु मसीह ने कहा चेक के देखो, उसका प्रेम को चेक के देखो, उसका बात को चेक के देखो। सृष्टि का मालिक है, सृष्टि का मालिक वो खुद आके दास बन के चेलों को पैर धोया। आजकल कोई चेलों को पैर धोता है? अरे क्रिश्चियन लोग भी नहीं धो रहे चेलों के पैर आजकल। क्रिश्चियन लोग भी क्या है, पास्टर लोग अपने आप को बड़ा पद दिखाते, ऐसा ऐसा बहुत कुछ आशीष के लिए, चंगाई के लिए भागते हैं। मगर कभी कहीं ये सेवकाई के बारे में सुने देखे, कोई नहीं करता है। बड़े बड़े बातें बोलते, बातें छोड़ दो, अपने आप को बचा लो, आत्मा को बचा लो, मन फिराओ, पश्चाताप करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है पश्चाताप करो, मन फिराओ, मैं आपके निकट हूँ, मुझे बुलाओ, मैं अंदर आऊँगा, आपका बुराई को पूरा निकाल दूंगा, पाप को निकाल दूंगा बोल रहा है। वचन को अपना लो, वचन के साथ जियो। वचन क्या? सच्चाई में जियो बोल रहा प्रभु, सच्चाई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच्चाई का अपना के आत्मा को बचा के अनंत करके जीवन में लग जाइए। ये छोटी बात है, यीशु मसीह के नाम में मैं समाप्त करता हूँ। आमीन।